जनता चुप नहीं बैठेगी, लेकिन अभी तो मामला विधायकों का है, जनता का नंबर तो बाद में आता है, पहले विधायकों की ताकत कितनी है किस दल के पास वो तो तय हो जाए। इधर फडणवीस के घर बीजेपी नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है, एक ताजा रिएक्शन और आ रहा है। कौन बोल रहा है? चलिए, फडणवीस के घर बीजेपी नेताओं की बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। फडणवीस के घर बीजेपी नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी नेता गिरीश महाजन थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे। हमारे साथ संवाददाता अतुल सिंह जुड़े हुए हैं, संवाददाता दिनेश मौर्य जुड़े हुए हैं। दिनेश, इस पर आप और अपडेट दें। जी देखिए, एक एक कर तमाम जो बीजेपी कोर ग्रुप के जो नेता है वो देवेंद्र फडणवीस के घर पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल ने भले ही कल फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया हो, लेकिन बीजेपी के नेताओं को लग रहा है कि अब महाविकास आघाड़ी की जो है वो ज़्यादा आक्रामक हो रही है। वो किसी पूरी कोशिश कर रही है कि कल होने वाली फ्लोर टेस्ट को हर हाल में रोका जाए। अगर ये स्थितियाँ बनती है, वो कोर्ट का भी दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया है, तो अगर फ्लोर टेस्ट टल जाता है तो उसके बाद क्या किया जाए, इस रणनीति पर भी वो इस बैठक में विचार करेंगे। क्योंकि जितनी आक्रामकता से जो है महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता जो है मिलकर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कल के फ्लोर टेस्ट को टाला जाए, महाराष्ट्र के कई इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में जो विधायक रहते हैं वो कल तक नहीं पहुंच पाएंगे, इस तरह की बात जो है वो तमाम आघाड़ी के नेता कर रहे हैं। तो अगर ये स्थिति बनती है तो ऐसे में क्या किया जाए, अगली रणनीति क्या होगी, ये जो टालने की, इस पूरे फ्लोर टेस्ट को लंबा करने की जो कोशिश हो रही है महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से, उसे टैकल किस तरह से किया जाए, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आज शाम 5 बजे तक सभी बीजेपी विधायकों को ताज प्रेसिडेंट पहुंचने के लिए कहा गया है, तो इन सभी विधायकों को एक कैसे रखा जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ताजा घटनाक्रम पर एक बयान जारी किया। प्रियंका चतुर्वेदी ने एक ट्वीट किया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बहुमत परीक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी, क्योंकि विधायकों की अयोग्यता के मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हुई है। फ्लोर टेस्ट को लेकर ये उन्होंने कहा कि अभी तो विधायकों की पात्रता को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, 11 तारीख तक का वक्त निर्धारित किया गया था, सबको अपने अपने जवाब देने थे, वो कार्रवाई तो अभी पूरी हुई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब तक ये सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, फ्लोर टेस्ट कैसे कॉल किया जा सकता है? लेकिन अगर वाकई में ऐसा होता फिर तो सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम आदेश दे सकता था कि आप फ्लोर टेस्ट ना करवाएं जब तक इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। बहरहाल, अतुल, प्रियंका चतुर्वेदी का ये कहना कि अभी सुप्रीम कोर्ट में अपात्रता के मामले में सुनवाई पूरी नहीं हुई इसलिए फ्लोर टेस्ट कॉल नहीं किया जा सकता, इसका अर्थ हम क्या निकालें? जी देखिए, ये ट्वीट तो जो है वो तो एक अपना पहलू है ही है, लेकिन अभी जो यहाँ पर हलचल हुई है सिल्वर ओक पर, उसके बारे में आपको जानकारी दे दें कि अभी जो अशोक चौहान हैं, सुनील केदार हैं, बाला साहेब थोराट हैं, ये नेता जो कांग्रेस के थे वो अभी जस्ट सिल्वर ओक से बाहर निकले हैं। यानी कि जो मीटिंग थी या जो हिदायत इस पूरी स्ट्रैटेजी को लेकर कल जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है उसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन शरद पवार ने अपनी तरफ से दिया है और उसके बाद यहाँ से वो निकले हुए हैं। लेकिन अभी भी प्रफुल्ल पटेल अंदर अभी उनके घर पर मौजूद हैं, एक दो नेता और भी अंदर मौजूद हैं, ये सब यहाँ पर मीटिंग चल रही है। और जहाँ तक चतुर्वेदी, प्रियंका चतुर्वेदी के ट्वीट का सवाल है मीनाक्षी, तो इसमें वो कानूनी जो दांवपेच है उसके पक्ष में चाहे वो संजय राउत हों चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हों, वो रखने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जो 16 विधायकों की उनकी विधायकी जो उनकी सदस्यता है उसको रद्द करने को लेकर मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही, क्योंकि उनके पास ले दे के सिर्फ यही एक ग्राउंड बचा हुआ है कि कोर्ट से उनको कहीं कोई राहत मिल जाए, इसी के बेसिस पर वो कहीं ना कहीं इस जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है उसको उसका मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि एक तरफ जहां फ्लोर टेस्ट को लेकर इनकी एक स्ट्रैटेजी तैयार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।